अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा की दुनिया में स्वागत हो आप लोगों का। मैं बेसन का लड्डू बनाने जा रही हूँ, दानेदार गुजराती स्टाइल का लड्डू मैं बना रही हूँ बेसन का। आप लोग देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। एक कटोरी बेसन है, थोड़ा सा दूध में घी डाल लेना है, ये दानेदार होगी गुजराती स्टाइल का लड्डू। देखिए लड्डू के लिए ये बेसन मैं ली थी, इसको मिला लेती हूँ इस तरह, तो दानेदार लड्डू होगी। इसको एकदम अच्छा से मिक्स कर लेना है। कर रही वीडियो। देखिए चलनी में लेके इसको थोड़ा ही कर लेना है, निकल जाएगी थोड़ा मोटा मोटा जो है। देखिए बेसन को मैं दूध और घी में इसको मिला के और इसको चटनी में चाल के दानेदार कर ली हूँ। एक दानेदार लड्डू बनेगी बेसन का। अब इसको मैं घी में भूजने जा रही हूँ, कढ़ाई में उसमें डाल के उसको भूजना है। चार पांच चम्मच में डाली हूँ और फिर बाद में ज़रूरत हो तो डालूँगी। बेसन को भूज लेना है, कम आंच में भूजना है। देखिए बेसन बनाने पर आ गई है, अब इसको निकाल के मैं लड्डू बनाऊंगी। थोड़ा सा देखिए मैं ये बेसन को भुना गई है, अब इसको गैस से उतार ली हूँ। अब इसमें चीनी का
देखिए चीनी का भूरा मिला रहे हैं इसमें। चीनी का चाशनी को मैं सुखा के ये भूरा बना ली हूँ। इसी को डाल के मैं लड्डू बनाऊंगी। देखिए बेसन के मैं लड्डू बनाई हूँ, दानेदार लड्डू गुजराती स्टाइल में मैं बनाई हूँ। इसी तरह आप लोग भी बनाइए, बना के खाइए, कमेंट करके बताइए कैसी आप लोग बनाइएगा, तो बताइएगा कैसी आप लोग बनी है। और सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।